पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार रात आखिरी सांस ली। वे 67 साल की थी। विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा जी ने लोगों की जो मदद की है वैसे कई किस्से हैं। बड़ौदा में भी एक ऐसा परिवार बसता है जिनको सुषमा जी के सहारे से अपने पति को भारत वापस लाने का वाकया आज याद आ रहा है। पंड्या परिवार के मुखिया संकेत पंड्या 2013 में ईरान कंपनी के काम से गए थे, जिसके बाद ईरानी सरकार एवं संकेत पंड्या की निजी कंपनी में तनाव के बीच संकेत ईरान में फंस गए थे। उस वक्त परिवार ने 1.5 साल की कोशिश के बाद सुषमा स्वराज का संपर्क किया था, जिसमें सुषमा जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए ईरानी सरकार से संपर्क किया एवं अपने दौरे के दौरान संकेत समेत 2 नागरिकों के लिए वे अपने स्पेशल प्रोटोकॉल का उपयोग करके 2 घंटे ईरान में रुकी थी और भारत के नागरिकों को 24 घंटे में भारत की धरती पर लौटाने का ईरानी सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया था। और बस इसी की बदौलत संकेत पंड्या अपने घर वापस आ सके थे। आज ये परिवार सुषमा जी के निधन की खबर सुन के आहत में है और सदमे में है। आज सुषमा जी की मदद का ये वाक्या याद करके उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और इस महान व्यक्तित्व को अश्रुशः श्रद्धांजलि पंड्या परिवार दे रहा है। सुषमा स्वराज नु आज निधन थयु छे तो मने एमनी एक विशेष मदद छे अमारा परिवार उपर। ए मने आज वड़ी वड़ी ने याद आवे छे के लगभग 5 वर्ष पहला 2013 में मारा हसबंड ईरान में फसाया था, पोतानी कंपनी ना काम माटे गयेला अने लगभग 1.5 वर्ष पछी परत आवानुं थयेलुं। अमे घणा बधाने एना माटे अपील करेली। ज्यारे ए 2013 त्यां फसाया त्यारे कांग्रेस सरकार हती, त्यार पछीना इलेक्शनमां भाजप सरकार आवी, त्यार पछी पण घणा बधा अमे एना माटे प्रयत्नो कर्या। अने एक समय एवो हतो के ज्यारे ए लोको त्यां साइन थवानी हती ए दिवसे के ए लोको भारत पाछा आवी शकशे, અને એ દિવસે ત્યાંની ગવર્મેન્ટ પણ એટલી બધી સ્ટ્રોંગ હતી કે આ બંને જણને પાછા નહીં જવા દેવાના। એનું કારણ એટલું કે એને અહીંયાની જે કંપની હતી એની સાથે પ્રોબ્લેમ હતો, એટલા માટે ત્યારે જો એ દિવસે સાઇન ના થાય તો મારા પતિ કદાચ આજે પણ અહીંયા ના હોત, પાછા જ ના આવી શક્યા હોત એવું કહી શકાય। ત્યારે સુષ્મા સ્વરાજજી 2 કલાક માટે સ્પેશિયલ આના માટે ઈરાનમાં રોકાયા અને સ્પેશિયલ પ્રોટોકોલ યુઝ કરીને એમણે 24 કલાકમાં મને મારો ભારતીય ભારતમાં જોઈએ એ રીતનો ઓર્ડર આપીને આ કામ એમણે પૂરું કરાવ્યું। એટલે આજના દિવસે તો એમને અમારી હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ છે। આપણા ભારત દેશની માં સમાન છે અને માં જાય ત્યારે બાળકોને તો દુઃખ હોય જ, અને આવા કર્મનિષ્ઠ નેતાઓ જ્યારે જાય ને ત્યારે એવું થાય છે કે ભારત કંઈક ગુમાવે છે, પણ ખબર નહીં ભગવાનને પણ આવા લોકોની જરૂર પડતી હશે। પણ અમારું પરિવાર આજે ખૂબ ખૂબ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પે છે અને એમની જો આ મદદ એમનો આ કૃપાદૃષ્ટિ અમારા પરિવાર પર ના થઈ હોત તો કદાચ એ તો હું કલ્પનાએ ના કરી શકું કે શું પરિસ્થિતિ હોત અમારી। ભગવાન એમની આત્માને ખૂબ શાંતિ આપે। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।